So hey, what's up guys, welcome back to my channel Hyper Raja Gaming, and today we are playing again Shadow Fight 2. And seriously यार, बहुत टाइम बाद मैंने अपना ये इंट्रो बोला. एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि पिछले 2-3 महीनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ. उसका रीज़न मैंने आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था. असल में मैं ज़रा बिजी चला था अपने पर्सनल लाइफ में, बट अब सब कुछ ठीक है. अब हम अपने Shadow Fight 2 के सफ़र को जारी रख पाएंगे. अब ज़रा देख लेते गाइस कि आखिर क्या सिचुएशन था हमारा गेम का, ठीक है. तो देखो, हमने गेट्स ऑफ शेडोज़ को क्लोज़ किए, लेकिन मैं को किडनैप कर लिया टाइटन ने, और इसीलिए हम गेट्स ऑफ शैडोज के अंदर आ गए. अब हमको टाइटन को हरा के मे को बचाना है, लेकिन टाइटन कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है. उसको हराने के लिए हमको कुछ स्किल्स की जरूरत है, जिसके लिए हमने एंशिएंट रोड को ढूंढा था. लेकिन यहां पे एंशिएंट रोड हमारा उल्टा टेस्ट लेने लगा, मतलब वो अलग अलग फाइटर से लड़वाने लगा हमको, एंड वो चैलेंजेस टाइप है, ठीक है. एंड वही हम लड़ रहे. पिछली बार हमने 8 राउंड खेल लिए थे, अब बाकी के 8 राउंड बचे हैं जिनको आज हम लोग खेलने वाले हैं. एंड लेट्स सी कि एंशिएंट रोड हमारी मदद करता है कि नहीं. एंड एक और बात गाइस, जरा मेरे कॉइंस पे नजर डालो भाई. दवा के मजदूरी किए, तुम्हारे भाई ने 20 लाख प्लस कॉइंस है हमारे पास, तो नए इक्विपमेंट्स भी परचेस कर पाएंगे हम. एंड सीरियसली बता रहा हूं, इनको कलेक्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे फैक्ट्री सर्वाइवल खेलने पड़े. अब चलो चलते हैं गाइस और न्यू इक्विपमेंट्स परचेस करते हैं 48 लेवल के. सो यहां पे हम स्टोर पे आ चुके हैं. हम लोग अभी तक ये यूज कर रहे थे टेलीस्कोपिक स्टाफ, अब हम ये यूज करने वाले जिसका नाम है थ्रस्टर. ये काइंड ऑफ भाला टाइप है और इसका प्राइस देख सकते हो 5,82,000 है. चलो इसको जल्दी से हम लोग परचेस कर लेते हैं. एंड हियर वी गो, यहाँ पे मैंने इसको बाय कर लिया है, ऑर्डर दिया है, 15 मिनट में आ जाएगा, कोई ना. ये देखो, ये अपना आर्मर है, गैलेक्सी टूनिक ऐसा नाम है. चलो इसे भी बाय करते हैं. एंड हियर वी गो, ये आर्मर भी आ गया. हेलमेट की बारी है, ये देखो गाइस, ये अपना नया हेलमेट, ये 4 लाख अराउंड है, तो चलो इसे भी परचेस करते हैं जल्दी से. एंड ये लो, मैंने इसे भी बाय कर लिया है. अब बात करें मैजिक और रेंज्ड वेपन की, तो कोई भी नया मैजिक या रेंज्ड वेपन ऐसा नहीं है जो कॉइंस में अवेलेबल हो, इसलिए हमको यही वालों से काम चलाना पड़ेगा, और इनको मैं बाद में अपग्रेड दे दूंगा. अभी मैं जल्दी से थोड़ा वेट कर लेता हूं ताकि ये सब रेडी हो जाए. एंड एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे हमारे नए इक्विपमेंट्स अब पूरी तरह से रेडी है. इनको इक्विप करते हैं और फिर हम चले गए अपना फाइट करने के लिए. यहाँ पे मैंने अपना थ्रस्टर इक्विप कर लिया, पता नहीं ये कैसा वेपन होगा. आर्मर इक्विप करते हैं अब. देन बारी है हमारे हेलमेट की, इसे भी इक्विप कर लिया. यहाँ पे गाइज मैंने 48 लेवल के तीनों नए इक्विपमेंट्स जो है वो इक्विप कर लिए. बाकी देखो, मैंने थोड़े बहुत कॉइन्स कलेक्ट किए, इसीलिए मैं मैजिक को भी यहाँ पे अपग्रेड कर लेता हूँ. ये कुछ देर में हो जाएगा. ओके सो गाइज, अब हम पूरी तरह से रेडी है. ज़रा देखिए तो कि थ्रस्टर के मूव्स कैसे, एंड बड़ा अजीब सा यार ये तो. रुक जाओ गाइस, ये तो पूरा लॉन्ग रेंज वेपन लग रहा है यार. मिड रेंज यार, लॉन्ग रेंज के लिए वेपन सही है. मुझे नहीं लगता ये वेपन शॉर्ट में कुछ ज्यादा कर पाएगा, लेकिन अब जो है सो है भाई. 48 लेवल पे इसी को हमें यूज करना है. चलो लड़ते हैं स्टोन ग्रोव में. हम खेलने वाले स्टेज 9, लेट्स सी क्या होता है इस वाले स्टेज में. एंड यहां पे मैं फाइट पे टाइप कर देता हूं. एंशिएंट फाइट, बट नो दैट थाउ शाल्ट ओनली बी एबल टू वाउंड द फॉय इन द जोन दैट इज नोटेड. ओके, तो किसी पर्टिकुलर जोन में ही हम एनिमी को डैमेज कर पाएंगे, इतना तो मैं समझ गया. अब गाइस फाइट करते हैं और लेट्स सी कि ये वाला फाइट आखिर कैसा होने वाला है. हम एनिमी को सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस में ही डैमेज कर पाएंगे, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा. और ये देखो, शैडो वर्सेस मेफिस्टो, ये अपना चेनसो वाला बंदा है भाई. कैसा है यार तू, बहुत टाइम बाद. ओके, ये स्वागत करेगा हमारा, वो भी अपने चेनसो से. तो देखो, इसको डैमेज नहीं पड़ने वाला है मैं अभी कितना भी. ये देखो इस वाले पर्टिकुलर एरिया में हम इसे मारेंगे ना, तभी डैमेज करेगा. थोड़ा पीछे चलते हैं और इससे मारते हैं. ये वेपन के कंट्रोल्स मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे, बट देखते क्या होता है. ओके, पीछे है गाइस वो एरिया, मुझे ज़रा पीछे जाने दो. मैं पीछे आ गया. अरे भाई इधर आ यार, मेफिस तो उधर कहाँ घूम रहा है. ओके, ये आया लेकिन वो गायब हो गया भाई. हद है यार, ये आ रहा है तो ये जोन गायब हो जा रहा है. ओके, फिर से इधर आ जा चल. ओके, ये आया गाइस, अब इसे मारते हैं. वेट, मारने दे, जोन गायब. लो भाई देख रहे हो, ये जब आ रहा है तब जोन गायब हो जा रहा है. उतने में टाइमिंग नहीं बन पा रही है, और टाइमिंग बन रही तो ये वेपन मैं नहीं चला पा रहा हूँ. देख रहे हो, ये वेपन मेरे से चल ही नहीं रहा है. रुक जाओ, अब आ जा भाई. अरे रुको, जोन आया, मुझे मारने तो दे ज़रा. नहीं, ये नहीं मारने देने वाला है. जोन आया था लेकिन. ओके, फिर से आया, इस बार टाइमिंग अच्छी है. इसे मारते हैं. देखो, थोड़े बहुत हिट मैंने दिए. ये मैजिक भी हमने मारा, HP हमने इसकी बहुत कम करी है, लेकिन ये वेपन गड़बड़ कर दे रहा है ना गाइज. ओके, लगा, इस बार सही से लगा है. चलो मारते हैं इसे. एंड ये देखो, मैजिक यूज़ कर, मेरी HP बहुत कम है, लिटरली मेरी HP बहुत कम है. और ये लो गए. यहाँ पे हम राउंड 1 हार चुके हैं, टाइमिंग ही नहीं बन रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम राउंड 2 में हार नहीं मानेंगे, इसको हरा के रहेंगे.
तो क्या ही कहें, अब हार गए हम तो रुक जाओ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये वेपन नहीं चल रहा यार मेरे से। मेन दिक्कत ये हो रहा है, जब वो आ रहा है उस जोन में ये वेपन काम ही नहीं करता ढंग से, अलग ही नाचने लगता है ये वेपन, देख रहे हो। नहीं ऐसे नहीं चलने वाला, इस मेफिस्टो को हराना है तो मुझे वेपन बदलना पड़ेगा। रुक जाओ मैं स्टाफ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है इसको हरा देता हूँ ढंग से, फिर मैं ये वेपन यूज़ कर लूँगा। चलो एक और ट्राई, शैडो वर्सेस मेफिस्टो, फिर से इस बार ध्यान से खेलेंगे और इसको हरा के रहेंगे, ठीक है गाइस। इस बार मेन अपना मोटिव यही है कि इसको हराना है। लो किक से शुरू करता हूँ, वो जोन कहाँ बनेगा मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा ना। ओके जोन बनाए, देख रहे हो, अब तो बस देख मेफिस्टो तेरा मैं क्या हाल करता हूँ। वो वेपन चल नहीं रहा था, लेकिन स्टाफ की मुझे अच्छी खासी आदत है, अब बताता हूँ ना। रुक जाओ पहले वो जोन में इसको लेके चलते हैं, फिर मारेंगे। ऐसे फालतू में मारने से कुछ फायदा नहीं, अब मारते गाइस। और ये लो भाई हेडिट लगा, एक अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा, बस मुझे इसको जोन में लाना है। और ये जोन भी अपना पूरा साथ दे रहा है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहीं पे आ जा रहा है जोन। चलो फिर से मारते हैं, ओके लगा, एक और हिट लगा, यहाँ से निकल लेते हैं। वो जोन मुझे देखने दो, ये देखो जोन फिर से हमारा साथ दे रहा है, सही है, मतलब ये सही जगह जोन आ रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये मेफिस्टो अपना कुछ ज़्यादा ही पगला रहा है, रुक जाओ गाइस। मैजिक मारते हैं और ये लो जीत गए हम, हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट राउंड में हरा दिया है, अब बस एक और राउंड में हमें इसे ऐसे ही हराना है। सो चलो राउंड टू भी शुरू होता है, एंड मुझे देखने दो जोन कहाँ है आखिर, वो जोन अरे यही स्पॉन हुआ है, देख रहे हो इस बार हमारा लक साथ दे रहा है। चल आ जा यार इधर आ जा, और ये लो एक हिट पड़ा, ज़्यादा कुछ खास डैमेज नहीं पड़ा है, लेकिन मुझे वो जोन फिर से देखने दो, ये जोन यहीं पे स्पॉन हो रहा है जहाँ पे मैं खड़ा था, ये अच्छी बात है, फायदा उठाते हैं इसका, थोड़ा बहुत और डैमेज देते हैं इसको। फिर से जोन चला गया अगेन, अब जरा सा वेट करते, जोन फिर से आया गाइस, मुझे इसको मारना पड़ेगा अभी के अभी, लेकिन नहीं ये एक जगह रुके तब ना मैं इसे मार सकूँ। ओके अभी फिर से जोन के लिए वेट करना पड़ेगा हमको, कहाँ गया, ओके जोन यहीं आया है, मुझे इसको डैमेज डील करना पड़ेगा कैसे भी करके, लेकिन जोन पे रहे तब ना मैं डैमेज डील करूँ। देख रहे हो ये अपना चेंसो सा चला दे रहा है ना। ओके यहाँ पे अब मारते हैं इसको, एंड ये देखो डैमेज पड़ा, मैजिक यूज़ करते, शिट मैजिक मिस हो गया, इसको भी इसी वक्त मिस होना था, वैसे मैंने ही ढंग से यूज़ नहीं किया। अब फिर से मारते हैं, जोन पे ही है ये, लेकिन देख रहे हो ये ना अपना चेंसो यूज़ करके निकल लेता है भाई जोन के बाहर, अब मैं क्या करूँ। ओके जोन में आया, मैजिक यूज़ कर रहा है वो अपना, बड़ा कूल मैजिक है भाई मेफिस्टो का। देखो ये बंदा कूल तो है, हमको इतना मानना पड़ेगा, चेंसो सा घुमाता है, मैजिक यूज़ करता है खतरनाक सा। ओके आ जा जोन में, अभी इसे मारते, तारीफ करने का टाइम नहीं है, ठीक है दुश्मन को मारने पे ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं अभी भी नहीं, जोन नहीं बन रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, वेट मैं मज़े में भाई टाइम खत्म कर रहा हूँ, मैं जोन का देख रहा हूँ लेकिन टाइम देखो बस 18 सेकंड बचा है। नहीं नहीं इस तरह तो मैं हारने वाला हूँ। ओके फिर से मारते हैं, अरे तू जोन में रहना भाई। नहीं यार अब कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं और ये बंदा एक जगह टिक ही नहीं रहा है, और जहाँ टिक रहा है वहाँ पे जोन नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं गाइस, ये वाला राउंड हमारे हाथ से निकलने वाला है, और ये देखो हार गए, टाइम अप हो गया। अब थर्ड राउंड है, मतलब ये लास्ट राउंड है, इस बार हमको जैसे भी करके इसको हराना है, वरना फिर से हम हार जाएंगे इस मेफिस्टो से, जो मैं नहीं चाहता। तो चलो फाइनली ये पकड़ में आया, ये मैंने इसे उठा के पटका, और ये लो मैजिक, बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे दिया है गाइस हमने इस मेफिस्टो को, बस एक दो हिट और ढंग का लग जाए ना देन हम जीत जाएंगे, एंड हियर वी गो। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको परफेक्ट पोजीशन में लाने में और डैमेज डील करने में, लेकिन इन दी एंड हम जीत गए। देखो इस मेफिस्टो को हराना कुछ हार्ड नहीं था, मेन हार्ड ये था कि जो जोन वाला टास्क था ना वही बहुत हार्ड बना दे रहा था इसको, पर हम लोग जीत गए जैसे तैसे। तो हमारा 9th स्टेज क्लियर हो चुका है, अब बार ये 10th स्टेज की, जिसका टास्क है मतलब वेपन लेवल 48 का होना चाहिए, तो हमको अपना वेपन 48 लेवल का इक्विप करना पड़ेगा। ये रहा थ्रस्टर, ये मेरे से बिल्कुल नहीं चल रहा है, बट कोशिश करेंगे, चलो फाइट करते हैं। लेवल 48 का वेपन, हाँ समझ गया, हारपी से लड़ने वाले, बहुत टाइम बाद हारपी से मिलने वाले हम, चलो मिलने तो नहीं वाले, लड़ने वाले, ठीक है। तो ये रही हारपी, जिसके क्लोज बहुत खतरनाक है, मुझे याद है इसके क्लोज से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, तो थोड़ा देख के, ये देखो मैंने थोड़ा वो डैमेज दिया है, दूर से रहना पड़ेगा ना, ये वेपन लॉन्ग रेंज का है तो मुझे डिस्टेंस मेंटेन करके लड़ना पड़ेगा, थोड़ा दूर रहते हैं। ओके अब मारते हैं गाइस इसे, और ये देखो ये रेंज्ड वाला अटैक तो बड़ा सही है यार इस वेपन का, तो यही यूज करते हैं ना हम लोग, ये देखो फटका सा पड़ता है एकदम हेड पे, ठीक है ये मूव मेरे को बड़ा पसंद आया इस वेपन का। चलो एक मूव तो मैं सीखा कम से कम इसका, और रुक जाओ थोड़ा बहुत और डिस्टेंस मेंटेन करने दो, ये देखो फटका सा मार देता है ना सर पे, बड़ा सेटिस्फाइंग है यार ये वाला मूव तो। चलो थोड़ा बहुत और डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा,
एक और बार ट्राई करते, किक लग जाए एक, एंड ये लो हमने हार्पी को हरा दिया है, फर्स्ट राउंड जीत गए। अब बारी है सेकंड राउंड की। ये वेपन का एक मूव तो मैं सीख गया, चलो अच्छी बात है। अब दूसरा मूव यूज करने का ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं, हम फेल हो गए, उल्टा मैजिक खा गए हम इस हार्पी से। नहीं, बदला तो ले गए, हम भी मैजिक मारते हैं, और ये देखो हमने अच्छा खासा डैमेज कर दिया है। और ये अपना फटका वाला अटैक, यहाँ पे हेड हिट हमने दो दो दे दिया इसे, बहुत ही सही जा रहा है ये बैटल, हम जीत के बहुत ही नज़दीक है। चलते हैं इसके थोड़ा क्लोज। अरे रेंज्ड वेपन नहीं यार, ये सही बात नहीं है, वैसे मैं खुद बहुत रेंज्ड वेपन यूज़ करता हूँ। ओके रुक जा, ओके गाइज हमने बहुत डैमेज दे दिया इसको, खत्म करते जल्दी से, बस दो तीन ढंग के हिट लग जाए ना। ओके लास्ट हिट एक, एंड हियर वी गो, हमने यहाँ पे हार्पी को हरा दिया है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस ये वेपन सही से यूज़ करना मैटर करता है। खैर गाइज अब देखते हैं कि स्टेज 11 का क्या टास्क है। डॉज एनिमी मिसाइल्स, वेट अ मिनट, एनिमी कोई मिसाइल फायर करने वाला है क्या? खैर अभी हम लोग अपने वेपन्स को अपग्रेड कर देते हैं, तो किसे अपग्रेड करें सबसे पहले मुझे ज़रा सोचने दो। आर्मर को अपग्रेड कर देता हूँ ना, हाँ आर्मर को मैंने अपग्रेड पर डाल दिया, साथ ही साथ हेलमेट को और अपने वेपन को भी, इन तीनों को मैंने अपग्रेड पर डाल दिया है। थोड़े बहुत और कॉइन्स बचे हैं, इनको रहने देते हैं, बाद में किसी और को अपग्रेड करेंगे और फाइट शुरू करते हैं अभी हम। तो हमको भाई वेपन से बचना है, तो रेंज्ड वेपन से शायद से बचना है हमको, एनिमी के ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज डील कर सकते वो हमें। चलो ठीक है, अब फाइट शुरू करते हैं, एंड हियर वी गो, शैडो वर्सेस गोलेम। अभी हम गोलेम से लड़ने वाले, इसके रेंज्ड वेपन से बचना है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी हम इसकी बैंड बजा सकते हैं। और ये देखो गोलेम आते ही जोश में है। चलो यहाँ पे लो किक से हमने फर्स्ट स्ट्राइक कर लिया है, और ये वेपन ज़रा मेरे से चल नहीं रहा है गाइज। ओके ये वाला चला, बस एक ही मूव तो मैं ढंग से यूज़ कर पाता हूँ इस वेपन का, चलो वही यूज़ करते हैं। और ये देखो ये बड़ा सेटिस्फाइंग मूव है यार, सच में ऐसे फटका सा पड़ता है ना हेड पे, मज़ा आ जाता है देख के। चलो फिर से मारते हैं, और ये थोड़ा और डैमेज। अरे रेंज्ड वेपन यूज़ कर दिया गाइज, उसका रेंज्ड वेपन लिटरली एक बार में आधा हेल्थ ले गया मेरा, तो जैसा कहा था एंशिएंट वन ने सही बात है यार, इसका रेंज्ड वेपन बहुत ज़्यादा डैमेज डील करता है। चलो इसे ख़त्म करते हैं जल्दी से, और यहाँ पे क्रिटिकल और हेड हिट लग गया, और इधर एक और क्रिटिकल, एचपी बहुत ही कम है अपने अपोनेंट की, जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं, एंड हियर वी गो, हम अपना फर्स्ट राउंड जीत चुके हैं, अब बस एक और राउंड में इसको हराना है, राउंड टू शुरू हो चुका है। वैसे जो भी बोलो ये गोलेम बंदा दिखने में बड़ा खतरनाक है। लो किक से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्ट्राइक नहीं हो पाया, इसने कर लिया, कोई बात नहीं, हमारे पास मैजिक रेडी है, वो भी यूज़ करेंगे। और हेडिट दिया हमने एक मैजिक, लेकिन मिस हो गया भाई मैजिक, हमने यहाँ पे इसे उठा के पटक दिया है। वैसे अब इसको फिर से मारते हैं, इस बार लो किक्स लगने चाहिए, लेकिन नहीं, इसने हमको हेडिट दे दिया। अरे भाई गोले मारने का मौका तो दे, ये बंदा तो कदे एग्रेसिव हो रहा है यार, देख रहे हो मारते जा रहा है, अब नहीं छोड़ेंगे इसको, बहुत हो गया इससे मस्ती मजाक, ख़त्म करते जल्दी से। तो रुक भाई तुझे मैं बताता हूँ, अरे भाग रहा है, फटका देता हूँ तुझको, ये ले, इतनी सी एचपी बची है उसकी, फिर भी देख रहे हो कुलाठियाँ मारने हैं इसको। और ये एक और अच्छा सा हिट, ये मैजिक, एंड ये लो आराम से जीत गए, कहा था ना मैंने इसकी एचपी बहुत कम बची थी, लेकिन ये बंदा डॉज किए जा रहा था। चलो जो भी, हम लोग जीत गए। यहाँ पे गाइस हमारा स्टेज 11 भी क्लियर होता है, अब बारी स्टेज 12 की। उससे पहले अपग्रेडिंग दे देते हैं, थोड़ा बहुत आर्मर अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ मैं, एंड ये लो मैंने आर्मर को अपग्रेड पे डाल दिया है। अब चलते हैं अपना स्टेज 12 खेलते हैं। ये क्या टास्क है? टू विन थाउ शॉर्ट ग्रिप द फॉय एंड थ्रो हिम ऑल इन द जोन दैट इज नोटेड। अच्छा तो जीतने के लिए हमको एनिमी को उठा के पटकना पड़ेगा, लेकिन वो जोन वाले एरिया में, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में एनिमी को पटकना पड़ेगा, तभी जाकर हम जीतेंगे। बड़ा अजब बजब टास्क है, लेकिन करते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखो शैडो वर्सेस एबिस, अब हम अभी एबिस से लड़ने वाले, इसके पास भी वही वेपन है ना जो मेरे पास है, हाँ थ्रस्टर ही है इसके पास भी। चलो हमको उठा के पटकना है ना गाइस इसको, तो उसी पे ध्यान देते हैं। ये देखो ये जोन है, शायद हमको यहीं इसको उठा के पटकना है, पकड़ में आ भाई, ये पकड़ा है तब ना, आ जा पकड़ में। अरे यार अभी जीत जाता, अभी अगर पकड़ में आ जाता ना, वहीं ऑन द स्पॉट में जीत जाता, लेकिन नहीं, इस बार फिर से ट्राई करते हैं। अरे आ जा एबिस भाई, क्या लेगा गाइस, टाइमिंग नहीं बन पा रही ना मेन, वही दिक्कत हो रहा है। ओके यहाँ पे आया, वेट, और ये लो हमने इसको उठा के पटक दिया, यस गाइस हमने यहाँ पे इसको पटक दिया, और ये लो जीत गए हम। बड़ा ही सिंपल सा चैलेंज था, लेकिन वही ना टाइमिंग वाली बात आ जाती है यहाँ पे। ओके गाइज हमारा स्टेज 12 हो गया, अब चलो स्टेज 13 भी क्लियर करते हैं फटाक से, और देखते हैं कि आखिर इसका टास्क क्या है। सो यहाँ पे देख सकते हो, द फॉय शॉल स्टार्ट रीगेनिंग हिज हेल्थ फ्रॉम द हीटिंग थ,
बट द फॉयस शॉल्ट बी एबल टू प्रिवेंट बाई हिटिंग हिम। अच्छा तो एनिमी के पास रीजनरेशन होगा, हमें बस उसको हिट करते रहना है ताकि वो रीजनरेट ना कर पाए अपनी हेल्थ। ओके समझ गया, फाइट शुरू करते हैं। एंड हियर वी गो, शैडो वर्सेस मेफिस्टो फिर से। ओके ये मेफिस्टो फिर से आ गया। चलो एक और बार इसकी बैंड बजाते हैं। यहाँ पे हमारा राउंड वन शुरू हो चुका है। भाई तू कितना भी चेंज हो घुमा ले, तेरे को नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं इस बार, क्योंकि इस बार अपना डायरेक्ट फाइट होगा। ओके इधर आ जा। रीजनरेशन अभी से चला रहा है, देख रहे हो, डैमेज पड़ा नहीं लेकिन रीजनरेशन चला रहा है। थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है इसको, फटका मारते हैं हम। अरे पास आ तू, अरे रेंज्ड वेपन चला रहा है, हम भी मारे क्या भाई। गाइस ये रीजनरेट करते जा रहा है, देख रहे हो, मतलब मैं डैमेज दूँ या ना दूँ ये रीजनरेट करता रहेगा। बस डैमेज दिलने के बाद मुझे इसे मारते रहना है ताकि ये रीजनरेट ना हो जाए। मैंने थोड़ा बहुत इसे डैमेज दिया है, उठा के भी मैंने इसे पटक दिया है। मैजिक रेडी होता तो अभी मार देता, बट कोई बात नहीं, अभी लो किक से ही काम चलाते। एंड ये लो मैजिक, इसके एचपी मैंने बहुत कम कर दिए, बस कुछ और ढंग के हिट्स लग जाए देन इसका काम तमाम है। रीजनरेट तो नहीं करने दूंगा भाई तुझे, इधर आ, चल पकड़ में आ। ओके वेट, पीछे चला गया वो, लो किक्स मारते हैं यार जल्दी, एनिमेशन में ही टाइम चला जा रहा है ना। रुक जाओ, मुझे मारने तो इसको ढंग का, एक हिट लगा। ओके एक हिट लगा, थोड़ी बहुत एचपी और कुछ और किक्स लग जाए बस, एक किक और ढंग का। एंड हियर वी गो, जीत गए हम भाई। मेरे को बार बार ना ऐसा लग रहा था कि कहीं ये रीजनरेशन ना शुरू कर दे, बट जीत गए हम। अब बारी हमारे राउंड टू की, फ्लाई किक यूज करे। ओके लग गया, चलो प्लान सक्सेस हुआ, फर्स्ट स्ट्राइक हो गया हमारा, अब इसे मारते हैं। चल आ जा भाई मेफिस्टो। अरे रीजनरेट मत क्या कर भाई, बुरा लगता है लिटरली, मैं तुमको डैमेज दूँ इतना और तू रीजनरेट करे, नहीं ऐसे तो नहीं चलने वाला। मैजिक यूज किया लेकिन कुछ खास मेरे को डैमेज नहीं पड़ा। देखो रीजनरेट करने लग जा रहा है बात बात पे, रुको अभी इसे बताते हैं, बहुत रीजनरेट कर रहा है ये। देखो कुछ ओपी से हिट कॉम्बो 3 और ये इसे उठा के पटक दिया है। एचपी इसकी थोड़ी सी रह गई है बस, एंड ये एक किक के साथ हमने मेफिस्टो को हरा दिया है। बड़ा सही था यार, बस रीजनरेट कर रहा था लेकिन वो भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। वेल अब हमारा राउंड 13 भी कंप्लीट हो चुका है, 14 की बारी है। बट उससे पहले थोड़ा अपग्रेडिंग तो बनता है, किसे अपग्रेड करे मुझे देखने दो। वेपन को अपग्रेड पर डाल दिया है मैंने यहाँ पे। एंड अब ये काम कर देगा गाइस, यहाँ पे जरा नजर डालो, अपना जो 48 लेवल है ना वो अभी सिर्फ आधा ही भरा है एक्सपीरियंस। सो मैं 2-3 स्टेजेस खेल लेता हूँ देन आप लोगों से मिलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइज यहाँ पे देखो मैंने 14 एंड 15 स्टेज खेल लिया, अब हमारा लास्ट स्टेज बचता है स्टोन ग्रोव का। लेवल अप भी होने वाला है, थोड़ा बहुत बाकी है सिर्फ। तो 16th स्टेज खेलने वाले हम अपने स्टोन ग्रोव का, जो कि आखिरी स्टेज होने वाला है, ठीक है। सो चलो चलते हैं। एंड देखो यहाँ का चैलेंज क्या है कि इक्विपमेंट लेवल 48 के होने चाहिए, तो मैंने अपने सभी इक्विपमेंट्स को 48 का कर दिया। मैजिक ऑलरेडी था, रेंज्ड वेपन को भी मैंने 48 लेवल का कर दिया, अब हम फाइनली इसे लड़ पाएंगे। ऑल्सो मैंने कुछ नए मूव सीखे इस थ्रस्टर के, मुझे खाने दो। देखो ये एक नया मूव है जो कि बहुत ही ओपी है, इसको यूज करके हम फाइट्स में मजा आएगा। एंड अभी मैं इस पे फाइट पे टैप करके इस फाइट को शुरू करता हूं। दिस फाइट इज ओनली ओपन फॉर थोस हु विल हैव, हां भाई है हमारे पास। एंड हियर वी गो गाइस, शैडो वर्सेस हार्पी, हम लास्ट राउंड लड़ने वाले हार्पी के साथ। चलो ठीक है यार। ओके तो यहाँ पे हम ये बैक वाला अटैक यूज करते हैं। एंड ये देखो भाई, मैंने कहा ना ये नया मूव मैंने सीखा है जो कि कमाल का है। अब ये पटक के मारते हैं इसको और ये देखो क्रिटिकल लगा हेड इट, बहुत ही सेटिस्फाइंग मूव है ये मेरे लिए। एंड यहाँ थोड़ा डिस्टेंस हमने मेंटेन किया और ये लोअर वाला अटैक, ये भी ओपी है। चल भाई ये ले हार्पी एक और, चल चल क्लोज आ। एंड ये एक और नहीं लगा, ये वाला नहीं लगा। अरे बिजली दे दिया भाई इसने, कहीं ऐसे नीचे शॉक दे देता है क्या, मेरे को पता नहीं था कि ये इसकी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे काम करती है। थोड़ा पीछे रेंज्ड वेपन से अटैक करते हैं, थोड़ी बहुत एचपी भी बची है, ज़्यादा नहीं, कितना ही बच लेगी। देखो डॉच कर रही है, कितना ही डॉच कर लेगी। हम ऐसे अटैक करते जाएंगे, जैसे ही क्लोज आएगी एक खींच के लगाएगी। चलो मारते जाते हैं इसको गाइस, ये देखो क्लोज आ रही है और अब मारते हैं इसे। एंड हियर वी गो, खत्म भाई इसका काम तमाम, यही मेरा प्लान था। रेंज वेपन यूज करेंगे, कभी ना कभी क्लोज आएगी और क्लोज आते ही हम अपना वो वाला अटैक कर देंगे। चलो अब अपर वाला अटैक ट्राई करता हूँ लेकिन कुछ काम नहीं आया ये, उल्टा उसने मुझे फर्स्ट स्ट्राइक और शॉक दे दिया। अरे यार मेरा वेपन गया, अब मुझे खाली हाथ लड़ना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, हम खाली हाथ कमजोर थोड़ी है। ये देखो मुंह पे एक मुक्का दिया हमने इसके, अब उठा के पटकने का भी ट्राई करेंगे, थोड़ा क्लोज चलते हैं। अरे इधर आ भाई हार्वी, मैं ये कुदकने को हो रही है भाई, एक जगह रुक नहीं सकते ये लोग। रुक जाओ, फिर से लो किक्स, नहीं डॉच कर रहे। और ये देखो ये वाला किक लग गया, अब इसे उठा के पटकते हैं। ये भी को गाइस मैजिक रेडी है, मैजिक भी यूज करते हैं। और ये देखो एचपी हमने बहुत कम की है इसकी, ठीक है आधी और बची है बस, क्या ही कर लेगी ये हमारे सामने। बिना वेपन के भी हम इसे धो रहे अच्छा खासा, और फिर से उठा के पटक दिया, एचपी बहुत ही कम। चल भाई हार्पी आ जा, और ये मैजिक रेडी है, और ये लो जीत गए भाई हम, बेयर हैंडेड जीत गए हम। और इसी के साथ हमारा स्टोन ग्रोव जो है
वो खत्म होता है। हमने आखिरी स्टेज भी जीत लिया। एंशिएंट, यस थाउ आर्ट स्ट्रॉन्ग शैडो एंड वेल इंस्ट्रक्टेड इन द आर्ट ऑफ फाइटिंग। हाँ भाई, मैं जानता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। गाइस ये अब हमारी तारीफ कर रहा है क्योंकि जो ये टेस्ट ले रहा था ना वो कंप्लीट हो चुका है हम। बट प्लीज फॉरगेट अबाउट कन्फ्रंटिंग टाइटन, हाइड लाइक आई डू, लेट मी हेल्प हियर, आई शाल चेंज थीन फॉर्म, थाउ शाल्ट लुक वन ऑफ हिज मैन। ये कुछ चेंज कर रहा है और मुझे छुपने को बोल रहा है। अरे नहीं यार, टाइटन से तो मैं लड़ के रहूंगा। काली, डोंट बी रिड्यूकुलस, यू नो ही विल नॉट स्टॉप। अरे यार ये काली कितना समझती है हमको, लाइक लिटरली भाई जो मैं सोचता हूँ वो बोलती है ये हर बार। एंशिएंट, देन माई नीड टू स्टॉप दी इज दैट मच ग्रेटर, टाइटन शाल नॉट हैव अनदर स्लेव सोल्जर स्ट्रॉन्ग एज थाउ आर्ट। ओके गाइज, यहाँ पे बात एकदम पलट चुकी है क्योंकि एंशिएंट बोल रहा है कि हमको टाइटन से नहीं लड़ना चाहिए, हम भले ही स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं चाहता कि एक और स्ट्रॉन्ग वॉरियर टाइटन से हार के उसका स्लेव बन जाए। तो एक तरह से सही ही कह रहा है ये, लेकिन यार हमको तो टाइटन से लड़ना है ना। और अब ये कह रहा है कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं तुमको रोकूंगा। मतलब अपना जो एंशिएंट वन है वो अब हमारा ओपोनेंट हो चुका है। देखो, एंशिएंट एक्सेप्टेड योर चैलेंज, अब हमको एंशिएंट वन से लड़ना पड़ेगा। अरे भाई, वेल गाइज, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, हमें एंशिएंट वन से लड़ना ही पड़ेगा। तो प्रिपरेशन करके लड़ते हैं। मैं यहाँ पे अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करता हूँ जितना हो सके, एंड देन हम चलेंगे एंशिएंट वन से लड़ने के लिए। पहले मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ। 2000 years later. ओके सो गाइज, यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली आखिरकार। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। देखो, मेरे सारे इक्विपमेंट जो है वो मैक्सिमम अपग्रेडेड है, सिवाय रेंज्ड वेपन के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, रेंज्ड वेपन को मैंने छोड़ के बाकी सबको मैक्सिमम अपग्रेड कर दिया लेवल 48 के हिसाब से। अब चल के हम लड़ने वाले एंशिएंट वन से, लेट्स सी क्या होता है। फाइट पे टैप करते एंड चलते गाइज एंशिएंट वन से लड़ने के लिए, एंड हियर वी गो। और वेट अ मिनट, ये क्या हो गया मेरे अपीयरेंस को, मेरा कैरेक्टर एकदम अलग ही लग रहा है। ठीक है, इस पे ध्यान देने का वक्त नहीं है, अभी हमको एंशिएंट वन से लड़ना है। और इसके पास एक अजीब सी तलवार है, मतलब अजीब से ज़्यादा खतरनाक है वो। बट अभी मारते हैं इसको। ठीक है, मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जाने वाला हूँ इसके, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वेपन लग रहा है मेरे को, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। देख रहे हो कितनी दूर से मार रहा है वो मुझे। आई हैव नो आइडिया गाइस कि ये वेपन कैसे काम करता है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज डील कर रहा है। और ये स्वॉर्ड पता नहीं अजीब से टुकड़ों में बट जा रहा है। ठीक है, अभी मारते हैं इसे। ठीक है, ये सबसे ध्यान नहीं देते, मारते हैं, दूर से रहते हैं। हमारा वेपन वैसे भी लॉन्ग रेंज वाला है, लेकिन इसका भी लॉन्ग रेंज वाला है ना, दिक्कत वही हो जा रही है, मुझे दूर से ही इसे मारना पड़ेगा। होप सो इसके पास कोई मैजिक ना हो। मैं रेंज्ड वेपन स्पैम कर रहा हूँ अभी इसके ऊपर, और ये देखो अपना फटका वाला अटैक, फिर से रेंज्ड वेपन मैजिक यूज़ करते हैं। एंड हियर वी गो, हमने एंशिएंट उनको बहुत डैमेज दे दिया है, फिर से एक फटका मारते हैं। चलो लगा, दो दो फटका लगा, हेडिट लग रहा है, सही जा रहा है मैच, और वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज डील कर देता है। नहीं भाई, मैं हार नहीं सकता, मैंने इतना ज़्यादा डैमेज दिया इसे। रुको, मारने दो, एक और किक बस ढंग का लग जाए ना, उसकी एचपी पे एकदम थोड़ी सी है, बस एक किक और, अरे एनलाइटमेंट ने बचा दिया गाइस, अभी मैं मरने वाला था। एक और किक मारते हैं, एंड हियर वी गो, हम जीत गए, हमने एक राउंड इसको हरा दिया है। अब बारी है एक और राउंड की, हम हार जाते हैं फर्स्ट राउंड, लेकिन एनलाइटमेंट ने हमें बचा लिया। एंड सीरियसली गाइस, इसका वेपन बहुत ही बैड ऐस है, इसने फर्स्ट स्ट्राइक कर लिया। हम मैजिक मारते हैं, चलो मैजिक लगा, डैमेज इसको अच्छा खासा डील हुआ है। रुक जाओ, लो किक्स, लेकिन नहीं यार, इसने क्रिटिकल दे दिया, कोई बात नहीं, दूर से रह के मारते हैं। ठीक है, पेशेंस रखते हैं, दूर से रह के मारते हैं, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी करेंगे हम हारेंगे, मुझे पता है। दूर से रहो और ऐसे मारो फटका ही फटका, हेडिट लगा, एक और ले भाई तू, चलो एक और लगा, एक और ले, चलो तीसरा हिट भी लगा अच्छे से। अब लो वाला अटैक करते हैं, चलो सही जा रहा है, सही जा रहा है, मैं लॉन्ग रेंज से ही मार रहा हूँ, मतलब डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन रख के। ओके, घबराना नहीं है, बस मैजिक यूज़ करते हैं, मैजिक रेडी है, एंड ये लो मैजिक, हियर वी गो, जीत गए गाइस, हमने यहाँ पे एंशिएंट वन को हरा दिया है। और हमको यहाँ पे बरीड इन ओब्लिवियन का अचीवमेंट भी मिल चुका है। चलो यार, ये मैच मैं नहीं जीत पाता, लेकिन मैंने पेशेंस रख के उसको दूर से मारा और डिस्टेंस मेंटेन रखा, तब जाके जीता हूँ, वरना उसके पास जो वेपन था ना, बैंड बजा देता वो। एंशिएंट, इंडीड थाउ आर्ट फुल ऑफ द माइट ओ शैडो एंड स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड ऑल मेजर्स, फॉर इवन श्राउड कुड नेवर ओवरकम मी व्हेन आई स्पेयर्ड विथ हिम। ओके, यहाँ पे एंशिएंट वन हमारी थोड़ी बहुत तारीफ कर रहा है और ये श्राउड की बातें मेंशन कर रहा है। काली, डिड यू टीच श्राउड, वेट भाई ये क्या हो रहा है, एंशिएंट वन ने श्राउड को सिखाया है क्या? एंशिएंट, आई ट्रस्टेड इन हिम, ही हैड प्रोस्पेक्ट एंड ग्रिप एंड विल, ही कुड हैव बीन द लॉन्ग एक्सपेक्टेड लिबरेटर, बट टाइटन मेड हिम एन एनस्लेवर इंस्टेड।
ओके तो गाइस जो श्राउड है ना टाइटन का बॉडीगार्ड उसे एंशिएंट वन ने ही ट्रेनिंग दी है, और जो ये एंशिएंट वन कहता रहता था ना कि एक ही बंदा था जो उसे हरा सकता था वो शायद से श्राउड ही है। ओके समझ रहा हूँ अब मैं काली, बट डू यू नाउ बिलीव दैट शैडो हैज चांसेस अगेंस्ट टाइटन, विल यू हेल्प अस? अरे यार ये काली बड़ी अच्छी दोस्त है यार, हमेशा हमारा सपोर्ट लेती है। एंशिएंट, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई बिलीव्ड इन एनीथिंग, बी गॉन आई हैव नथिंग फॉर दी। अरे भाई ये लो गाइज, एंशिएंट वन ने तो भाई अपने हाथ खड़े कर लिए कि वो कुछ नहीं मदद कर पाएगा। साइफर, शैडो काली डू यू कॉपी स्टेटस रिपोर्ट? अरे ये स्टेटस मांग रहा है, चलो इसको बता देते क्या क्या हुआ है। काली, वी फाउंड एंशिएंट, इट वॉज अ मोस्टली यूजलेस मीटिंग। हाँ सही बात है, बट शैडो नाउ लुक्स लाइक वन ऑफ द टाइटन सोल्जर, एंशिएंट कैन चेंज अदर्स फॉर्म्स एज वेल एज हिज ओन। गाइस काली यहाँ पे सब सिचुएशन बता रही है साइफर को, और हमारा अपीरियंस जो है ना वो चेंज हो गया है, अब ऐसा लगता है कि हम भी यहाँ के ही रहने वाले हैं, मतलब लुक पूरा चेंज कर दिया हमारा। साइफर, इंटरेस्टिंग, ही वॉन्ट बी अलाउड नियर टाइटन स्टिल, but I have an idea, Titan man are holding a competition at the incubator. Okay guys, Titan के करीब इससे तो हम नहीं जा पाएगा, लेकिन साइफर के पास एक आइडिया है। द विनर विल बी प्रमोटेड टू अ कमांडर ऑफ स्पेशल स्क्वाड्रन फेसलेस एट द सेरेमनी हेल्ड एट द टाइटन सिटाडेल, इट योर चांस टू गेट क्लोज टू टाइटन। ओके ये मस्त आइडिया है गाइज, यहाँ पे मैं आपको ये प्लान पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखो हमारा जो अपीरियंस है ना वो चेंज हो चुका है, और अब हम यहीं के सोल्जर्स लगते हैं, और वहीं दूसरी ओर एक टूर्नामेंट हो रहा है टाइटन के लोगों का। और यहाँ देखो साइफर, नॉट बैड, यू हैव रीच्ड अ न्यू लेवल 49, हम 49 लेवल के भी हो चुके हैं। चलो अब सब कुछ सही सा लग रहा है, ओके भी टाइप करते हैं। सो देखो गाइस ये इनक्यूबेटर देख रहे हो, ये टाइटन के लोग एक कंपटीशन करवा रहे हैं, और अब हम इसमें पार्टिसिपेट करके टाइटन के क्लोज जा सकते हैं, और फिर हम उससे लड़ पाएंगे, शायद से यही प्लान है। लेकिन टाइटन के क्लोज जाने के लिए हमको ये इनक्यूबेटर टूर्नामेंट जीतना होगा और कमांडर बनना पड़ेगा, जो कि हम जरूर जीतेंगे। और यहां पे देखो गाइस, यहां पे हमारा ये अचीवमेंट है, ये जेम्स कलेक्ट कर लेते हैं, साथ ही साथ हमारा स्किल अपग्रेड आया इन दोनों में से, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा, अभी इसको रहने देते हैं, बाद में इसको अपग्रेड दे देंगे। एंड गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, आज हमने स्टोन ग्रोव में सारे चैलेंजेस कंप्लीट किए, देन हमने एंशिएंट वन को भी हराया जो कि बहुत ही पावरफुल बंदा था, लेकिन हम जीत गए उससे। फिर उसने हमारा अपीरियंस चेंज कर दिया है, अब हम और भी बैडेस दिखने लगे। एंड आई होप कि आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चाहे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम इनक्यूबेटर टूर्नामेंट खेलने वाले। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।